हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपको तो पता ही चल चुका है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ बियासी घाट। काफ़ी देखा जाए तो खूबसूरत जगह है अगर हैंग आउट करने के लिए। और यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी जब छुट्टियाँ होती है, चाहे वो सैटरडे संडे हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं फ़ोटोशूट कराने के लिए। और ये एक ऐसा बलिया में एक हाईवे है जो मैं कहूँगा जो यूपी को बिहार से जोड़ता है। और यहाँ पे मैं आया हुआ था तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो हालांकि देखने में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे से भी। एक तो इस तरीके से, और यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे की तरफ गंगा घाट है और जहाँ पे लोग हमेशा आपको मोस्टली नहाते हुए मिलेंगे। काफ़ी मोटे मोटे पिलर है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये रहा गंगा घाट। तो यहाँ पर अगर न्यूयॉर्क पे अगर आपको घूमना है तो मैं ये कहता हूँ कि आप आ सकते हैं और ये अच्छा जगह रहेगा। अब यह जगह थोड़ा पहले तो थोड़ा नीट एंड क्लीन था, बट अब जो है ना उतना क्लीन नहीं रह गया है। इसकी जो तारे हैं ना ऊपर, मैं आपको वो दिखाता हूँ ज़रा। भैया एक बार यार कैमरा पकड़ो, कितनी मोटी मोटी तारे हैं। देखो ऊपर रबड़ की कोटिंग की गई है, ऐसा है। इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा देता है ना भैया। उससे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक मुझे पता है 2 किलोमीटर लॉन्ग ये पुल बनाया गया है। हालांकि इसकी वीडियो आपने काफ़ी सारी इंटरनेट पर पहले देख रखी होगी, क्योंकि मैं हालांकि पहले भी एक बार आया था इस वीडियो की पुल बन इस पुल की वीडियो बनाने के लिए। बट हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये जो रास्ता है स्टार्टिंग वाला जहाँ से मैं अभी आया वो टूट गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। शायद आपने अगर जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है उसको इस बात का पता होगा। तो ये देखिए जरा ऐसा है कुछ अभी ना कोहरे की वजह से। और ये जो लोग आ रहे हैं बिहार से और जो कि गंगा स्नान करने के लिए, और जहाँ तक आपको पता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी मैं गंगा स्नान कर चुका हूँ। पानी थोड़ा सा गंदा था, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा रहा। सो भैया बुला रहे हैं, बाइक से आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है और देन आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये पुल कैसा लगा। सो फिलहाल हम करने के वाले चलते हैं जरा बाइक पे और बाइक से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लुक कैसा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे भैया ने कैमरा पकड़ रखा, तो आइए भैया बैठिए पीछे और दिखाते हैं जरा लोगों को ये पुल कैसा है। तो हालांकि देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आ रहा हूँ इस पुल पे और आई होप कि मज़ा आए थोड़ा आप लोगों को भी देखने में। यहाँ पे अधिकतर आपको लड़के या फिर लड़कियाँ मिल जाएंगे फोटो शूट करते हुए या मेकअप करते हुए। और ये जो पूरा रास्ता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और आई होप कि इसमें आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिले। थोड़ा हल्का सी तरह दिखा लोग यहाँ पे अधिकतर आपको इस पुल पे फोटो शूट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ सामने देखो किस तरीके से फोटो शूट चल रहा है, राइट हो लेफ्ट हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो, हर जगह फोटो शूट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग देखते हैं ना मुझे घबरा जाते हैं इस कैमरे में कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में कोलकाता जाने वाला हूँ, आप सभी को बता दूँ एक विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ के अंदर। तो आई होप कि उस वक्त में जो ये रूट फॉलो करना पड़े, लोग तो चश्मा लगा के फोटो शूट करा रहे हैं। पूरे पुल में सिर्फ एक ही नक्शा इसी तरीके से बनाया गया है ना, अभी मतलब इंसान आता है तो ऊपर से दिखाना थोड़ा। और लगो लगो हम बिहार में आते हैं क्योंकि गंगा के इस तरह बिहार स्टार्ट हो जाता है। और ये काफ़ी मजबूत पुल बना रखा है, नट बोल्ट कस रखा है इसमें, काफ़ी अच्छी कारीगरी कर रखी है।
हालांकि देखा जाए तो बल्ले के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि मतलब इतना अच्छा पुल है यहाँ पे, मतलब अच्छी खुशी की बात है देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए फोटोशूट चल रहा है। इसी तरीके के पूरा का पूरा जो है पुल है, चलते हैं हम जब यहाँ से वापस, अब क्योंकि हम बिहार नहीं जाना है हमें, हमें थोड़ा मुझे आपको इस पुल का थोड़ा लुक दिखाना था कि कैसा लगता है कैसा नहीं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो यहाँ से थोड़ा गाड़ी को मोड़ते हैं और हम चलते हैं जरा वापस, अभी वापस चल रहे हैं। वही चीज़ें जो अभी आप लोगों ने देखी, सोच रहा था इस पुल पे आया जाए आप लोगों को दिखाया जाए, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से या फिर कई सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आ नहीं पा रहा था। थोड़ा रास्ता भी ख़राब था क्योंकि बारिश हो रखी थी और उसकी वजह से नहीं आ पा रहा था, बट आज आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आई होप मैं ट्राई करूँगा कि आप सब लोग भी आए और यहाँ पर आके एक बार घूमें। देखा जाए तो देखने लायक जगह है न्यू ईयर पे भी, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी सारे गाने के जो म्यूजिक वीडियोज़ हैं वो अब वो यहाँ पे स्कूल पे बनने लगे हैं। थोड़ी सी तो लोकेशन अच्छी लगती है, एक तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, थोड़ी बहुत खास तो नीट एंड क्लीन नहीं कहूँगा मैं। सामने की तरफ देख सकते हैं लोग नहाने के लिए आए हैं। और आप बताइएगा जरा आपको ये वाला शॉट कैसा लगा, काफ़ी ज़्यादा वाइड आ रहा होगा, काफी ज्यादा वाइड आ रहा होगा, हालांकि आई होप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ये वाला शॉट आपको। ठंड हालांकि सुबह काफी ज्यादा थी लेकिन बट अभी थोड़ी कम है, पीछे से सूरज आ रहा है इधर से देख सकते हैं, और पता नहीं आपको मेरा चेहरा क्लियर आ रहा होगा कि नहीं क्लियर आ रहा होगा। और बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आइए जरा यहाँ पे, पहले गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान करने के बाद सीधे ब्यासी पुल पे आइए और फोटोशूट कराइए, फोटोशूट करा के इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और थोड़ा लोगों को चलाइए। है ना भैया, कैसा लगा आपको पुल? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद। और फिलहाल मैं अब आ चुका हूँ और आई होप ये पूरा का पूरा लगता पुल ख़त्म हो गया है, और सामने में अपनी मम्मी को खड़ा करके सामने में अपनी मम्मी को खड़ा करके आया था। तो ये नहीं मेरी मम्मी खड़ी है यहाँ पे। सो आई होप कि जो आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और काफ़ी सारे लोग मुझे देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं जैसा कि हमेशा होता है, और सो बाय बाय।